एक और आम खबर दें आपको। पाक फौज और शहदाए पाक सरजमीन से इजहार यकजहती के लिए सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफद ने 9 मई के वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफद का कहना था कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा अलमिया है। तबाहशुदा जिना हाउस में बाबाए कौम के नवादरात की पामाली पर गहरे रंज का इजहार किया गया। शुरका ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और वाकये में मुलविस मुजरमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया। शुरका का कहना था कि यह काम कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। के लिए ये 9 मई का वाकया सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे पाक फौज के जवानों ने उस दिन तो हमल का मुजहरा किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे वतन को हमारी फौज को जिंदा और ताबिंदा रखे। आज हम देख के ये दिल खून के आंसू वकीर हो रहा है। ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग? इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।